लोकसभा चुनाव में सीटें जीतने को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। बंगाल और देश भर में जीत को लेकर अमित शाह की बड़ी भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत का स्वाद चखने को मिलेगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अटकलों और भविष्यवाणी का दौर लगातार जारी है। तमाम दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में सीटों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा के बीच रोड शो कर दिल्ली लौटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछते हो कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। पिछले चुनाव में 282 सीट जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर विजय रहेगी और केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि पांचवे और छठे चरण के बाद बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। सातवें चरण के बाद 300 सीटों से ज्यादा जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 23 से ज्यादा सीटें जीतकर चुनाव स्किप करने जा रही है। वहीं विपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि सारे फ्रंट मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन तय कर ले। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और टीएमसी हार रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। 23 मई को ये शासन समाप्त होने जा रहा है, जनता ही समाप्त कर देगी। बंगाल में 6 चरण में जिस तरह से चुनाव चला है उससे तय है कि टीएमसी हारने जा रही है। शाह ने कहा कि जिस तरह का जनसैलाब हमें देखने को मिला है, हमें मालूम है कि बंगाल की जनता किस ओर जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता के आक्रोश को वो देखकर आए हैं, यह आक्रोश मत में परिवर्तित होगा। शाह ने कहा कि ममता दीदी मानती हैं कि हिंसा का कीचड़ फैलाकर चुनाव जीत लेंगे। ममता दीदी, उम्र आपकी बड़ी है लेकिन अनुभव मेरा ज्यादा है, जितना कीचड़ फैलाओगी कमल उतना ही खिलेगा। अब शाह की इस भविष्यवाणी में कितना दम है, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ 5 रिपोर्ट।